विश्राम करने के लिए जब लेटता हूं तो मैं लेट नहीं रहा हूं तो दंडवत कर रहा हूं अपने ईश्वर को जो लेटू तो करूं दंडवत जो बोलूं सो पूजा जो बोल दू वो उसी की पूजा है जो चलू तो करूं परिक्रमा भाव न रखू दूजा साधो सहज समाधि भली अब समाधि लगाता नहीं हूं समाधि के पीछे दौड़ता भी नहीं हूं समाधिस्त हूं शांत होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता हूं।, अब हूं करने में भी एक कर्ता भाव होता है संत हम उसको कहते हैं जिसका अब कर्ता भाव रहा ही नहीं मैं साधना करता हूं मैं ध्यान करता हूं मैं पूजा करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं जिसका कर्तव्यपना छूट गया वही संत है जिसका कर्तव्यपना बना हुआ है वो संत नहीं है अभी महाराज ध्यान कब करते हो क्या करूं ध्यान किसका करूं ध्यान एक ने पूछा कि आप महात्मा से कि महात्मा जी आप मंदिर भगवान का दर्शन करने कब जाओगे वो कहते तुम्हारा भगवान कैद होगा मंदिर में हमारा तो खुला छुट्टा व्यापक घूमता है तुम्हें एक जगह में पड़ा हुआ वो कैद दिखता होगा किसी एक मूर्ति में मेरे लिए परमात्मा सर्वत्र है तो कहाँ जाऊं जहां बैठा हूं वही मंदिर है जहां हूं वही परमात्मा इसलिए वो कहीं जाने की उसकी इच्छा रह नहीं जाती और बहुत लोग है वो कहेंगे नहीं ये मंदिर बड़ा विशेष है ये मंदिर में बड़ी शक्ति है बहुत लोग जाएंगे उस मंदिर में इसमें बड़ी शक्ति है इसमें बहुत विशेष ताकत है इसका मतलब वहीं है बाकी जगह समान हो गई क्या बाकी जगह एवं ही है पर संत की दृष्टि क्या है वो बोले जहाँ हूँ वहीं परमात्मा है इसलिए हर जगह परमात्मा का ही घर है इसलिए हर जगह बैठ कर के मैं उसकी आराधना साधना कर सकता हूँ ये जगह पवित्र है ये जगह पवित्र नहीं है ये काल पवित्र है ये काल पवित्र नहीं है जैसे तो कई लोग बोलेंगे शनिवार को अच्छा काम शुरू मत करो शनिवार अच्छा दिन नहीं है अच्छा कौन सा अच्छा दिन होता है बोले मंगलवार अच्छा होता है किसने कहा सब दिन एक से संत के लिए सब दिन एक से क्योंकि संत को अपना कुछ दिखता नहीं अब मैं अपना कुछ बना लूं मेरा सामान बन जाए मेरी संपत्ति हो जाए मेरा नाम हो जाए जिसके अंदर यह भूख होती है वो साधु होता कहाँ है ड्रामेबाज हो सकता है कौन से समय शुभ है सब समय शुभ है एक ने पूछा कौन सा समय अशुभ है कहते जब तेरी सांस बंद हो जाएगी ना वही अशुभ है बड़ा अशुभ काल है भाई वो उसमें कुछ मत करना बाकी जब तक सांस चल रही है सब है भूमि गोपाल की गोपाल हमारो साए सारी धरती ईश्वर की ईश्वर मेरा मालिक अब बताओ कौन सी जगह पवित्र है और कौन सी नहीं ये बड़ी छोटी बुद्धि वालों की सोच है कि ये जगह बड़ी करामाती है ये जगह में बड़ी ताकत ये जगह में बड़ा चमत्कार है यहाँ चले जाओ ना तो इच्छा पूरी हो जाती एक को कहा चलो महात्मा जी वहाँ जाओ तो इच्छा पूरी हो जाती वो कहते भैया तुम जाओ तुम्हारी इच्छाएँ हैं तुम अपने इच्छाओं के बोझ तले लदे हुए गधे हो बोले हमने तो अपने सारे बोझ उतार रखे हम अब इच्छाओं के गधे नहीं हैं तुम हो तुम जाओ हमें कुछ चाहिए ही नहीं हम क्यों जाएं कहीं पर जहां बैठे वही परमात्मा है और जहां मन शांत है मन स्थिर है मन इच्छा रहित है जिसको कुछ पाना नहीं जिसको कुछ खोने का डर नहीं बताइए उसके लिए कौन सा काल शुभ है और कौन सा नहीं कौन सा बड़ी ऊंची बात है ये जल्दी की ये समझ नहीं आती दुनिया तो वही चक्करों में पड़ी हुई है इसलिए अब हम उस मंदिर जाएंगे अब हम उस मंदिर जाएंगे अब हम वहाँ जाएंगे अब हम वहाँ जाएंगे भाई जाओ खूब जाओ अच्छी बात है जाओ पर याद रहे जहाँ तुम हो परमात्मा वहीं है अगर तुम वहीं नहीं देख पाए अगर यहाँ तुम अंधे हो तो वहाँ जाके भी अंधे रहोगे फिर चाहे कैलाश चले जाओ चाहे काशी चले जाओ चाहे रामेश्वरम चले जाओ चाहे गढ़मुक्तेश्वर चले जाओ चाहे जागेश्वर चले जाओ चाहे मणि महेश चले जाओ अगर आंखें नहीं देखने की तो क्या देखोगे और अगर आंखें हैं तो जहां हो आ, वहीं ईश्वर जहां हो वहीं परमात्मा अब तुम्हारा मन उसको शिव का आकार देना चाहे कि विष्णु का के कृष्ण का कि देवी का या कोई आकार न देना चाहे मां तुम्हारी मर्जी तुम्हारी मर्जी पर ये जो जो ये संत की स्थिति होती है वो उसकी एक ही दिन में नहीं बन गई है इसलिए संत की नकल लगाने की कोशिश मत करना कि कर, तुम तुम भी यही सब बातें बोलने लग जाओगे बड़े ओछे लगोगे तुम बड़े ओछे लगोगे इसलिए विचार इसलिए एकाग्रता साधना आवश्यक और ज्यों ज्यों वो सदती है जब तक कि आप परिपक्व नहीं हो जाते हैं तब तक तो विचार आज शाम को सरोवर के पास मोर था अब मोर ने तो हमको फोन नहीं किया कि मैं आया हूं उसके आने की खबर मुझे दी गई तो हम अभी भोजन ग्रहण करने ही लगे थे तो वहीं भोजन छोड़ा मैं पहले जाके वी साहब आए हैं पहले उनको मिलाते हैं हम तुम तो मोर आगे आगे तो हम उसके पीछे पीछे कितनी देर तक एक सेफ डिस्टेंस रखा ताकि वो घबराए नहीं तो मोर सामने सामने ले लम्बी पूछो उसकी इतनी सुंदर लिए क्या सुंदर गर्दन उसकी फिर तो पेड़ में चढ़ गया मैं हाँ देखो देखो तुम्हारे लिए तू तु लगाया वो आनंद ले रहा है हाँ आश्रम का आनंद वो भी ले रहा है क्यों खाने को दाने हैं पीने को पानी है चढ़ने को पेड़ है हाँ रक्षित सुरक्षित लगता वो भी मजे ले रहा है अब चूंकि वो अपने मजे ले रहा है तो उसके उस आनंद को देखने के लिए हम उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। वो अपने आप में मस्त है हमारी वजह से उसको डिस्टरबेंस ना हो इसकी फिक्र हमने करी पर वो अपना मस्ती में लगा रहा हाल हम भी देखते रहे फिर एक समय बाद आके वो मैंने कहा अब तू मस्ती कर हम जाके भोजन करते वह तो अपना खा रहा था ना वहीं वृक्षों में लगे जो भी उसको समान अनुकूल थे तो तुम यहां भोजन करो हम अंदर कर लेते हैं। आज के लिए इतनी मुलाकात काफी है तू अपने घर हम अपने घर की सौंदर्य जो है वो हमें आकर्षित कर रही है ना तो हम उसका पीछा कर रहे हैं वो थोड़ी हमारा कर रहे हैं आहा गुरु माई वो मेरे पीछे पीछे चल रहा हो ऐसा तो नहीं हो रहा हम उसके पीछे जा रहे हैं हम जा रहे हैं ना उसके पीछे तुम अपने मन को मोर जैसा सुंदर बनाओ गुरु जी भी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएंगे क्योंकि दर्शन ही सौंदर्य होता है दर्शनीय आनंद होता है दर्शनीय ज्ञान होता है तो जो ज्ञानवान है जो प्रेमी है जो भाव में है जो विचार में है और उसके ऊपर उसकी निरंतर मेहनत चलती रहती है वो सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप स्वयं हो जाता है हम तो हमेशा बोलते हैं, हम तो सौंदर्य के भक्त हैं जहाँ सौंदर्य होगा हमारा मन वहीं जुड़ जाता है कटुता कलेश अंधकार अज्ञान विषय वासना इसको देखने की कोई रुचि नहीं है मुझे जो 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 फंसे पड़े हैं उसमें रहे फंसे उसमें उनको उसी में आनंद मिल रहा है वो भी ठीक है बहुत बढ़िया पर हमें नहीं रुचता है आपका जो आचरण होता है आपका जो विचार होता है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे से आपके नेत्रों से प्रकाशित होता है अब अगर मन में प्रेम भाव ज्ञान विचार नहीं है तो फिर शक्ल पे कहां से आ जाएगा नहीं आएगा तो शुरुआत में साधक को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए अस्तित्व में मैंने सच्चिदानंद स्वरूप में न विचार है न स्थिति है कुछ नहीं है वहां पर लेकिन अभी तुम जहां खड़े हो वहां पर विचार की जरूरत है होश की जरूरत है क्योंकि वो क्या बोलते हैं ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी तो सावधानी नहीं हटनी चाहिए जीवन को मैं ये नहीं करी कि विचार के बोझ तले मार दो जीवन जीने के लिए है विचार उस जीवन को जीने की तरंग ही तो दे रहा है ना और विचार नहीं होगा तो ए, मन कभी इसके साथ फंस जाएगा कभी उसके साथ फंस जाएगा कभी इसके साथ फंस जाएगा कभी उसके साथ और मन कहाँ कब गांठे बना लेता है पता भी नहीं चलता है ऑलरेडी परिवार के साथ तुम्हारी जो नियर फैमिली है उनके साथ गांठें बनी पड़ी उसके बावजूद जहाँ चार दिन रह जाए ये अच्छा है ये नहीं है ये साथ रह ये नहीं है वो वहाँ मन फिर लाइक्स डिसलाइक्स पसंद नापसंद की चॉइसिस बना लेता है अपना कम्फर्ट जोन बना लेता है और फिर फिसलता 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 रसातल में जाके गिर जाता है इसलिए बीचार कभी पहाड़ की ऊंचाई के में पगडंडियां होती हैं पहाड़ में मैंने सिर्फ एक पैर भर रखने को जगह है इतनी भर पगडंडी पे आप चले कभी तो आप जानेंगे कि तुम एक क्षण के लिए भी बेहोश नहीं हो सकते क्योंकि हुए तो खाई महंगा एकदम चौकस एकदम सावधान हम वहां कुछ विचार करने की भी जरूरत नहीं क्योंकि सावधानी इतनी जबरदस्त होगी ये एक ही विचार बचेगा कि सावधान हो के चलो बस इसलिए जब लोग पहाड़ों में जाते हैं और ऐसी पगडंडियों में चलते हैं डरते हैं बहुत कई बार पर मजा बड़ा आता है क्यों वो जो एकाग्रता बनी है ना अंदर उस एकाग्रता की वजह से मजा आता है पहाड़ से थोड़ी मजा आता है अगर पहाड़ में मजा होता तो जो पहाड़ के लोग रहते ना उनसे पूछ के देखो यहाँ कितना मजा है तो क्या मजा है यहाँ पर पहाड़ के सब लोग नीचे आना चाहते दिल्ली चंडीगढ़ रुकना चाहते पहाड़ में तो कुछ नहीं रखा है यहां वाले जब ऊपर जाते हो कहते हा पहाड़ कितने बढ़िया है अब जो हाइकिंग करते हैं जो चलते हैं कई दिन तो वो जानते हैं इस बात को कि वो पगडंडियों में जंगल में आप जब चलते हैं तो एक भय एक सावधानी एक एकाग्रता सद ही जाती है वहाँ की चुप्पी हरियाली पहाड़ों की ऊंचाई ये सब मिल कर के एक ऐसा जादू मन पे लाती है मन को बड़ा मज़ा आता है मन टिक जाता है और वहाँ चमक दमक वाला करोल बाग बाज़ार तो है नहीं ना पहाड़ की चोटी पर कि मन डिस्ट्रैक्ट हो तो डिस्ट्रैक्शन कोई है नहीं देखने को पहाड़ है पेड़ है खाई है जान हथेली पे है पगडंडी पे चल रहा है तो उसमें क्या है मन भी एकाग्र हो गया और मन को मज़ा भी बड़ा, इसे कहते हैं एड्रोनलिन रश इसलिए एडवेंचर स्पोर्ट्स बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगती है क्योंकि हर एडवेंचर स्पोर्ट में यही होता है एड्रोनलिन रश होता है काग्रता सध जाती है जान गई 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 गई, गई और बच गए आहा मजा आ गया तो वो मजा लेने के लिए उनको पहाड़ जाना पड़ता है ताकि वो चार पांच हजार रुपया देके बंजी जम कर सके या राफ्टिंग कर सके पर राफ्टिंग कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा है चीख रहे हैं, हैं? बड़ा मजा आ रहा है बोट से निकलने के बाद मजा खत्म बंजी जम किया और जब किया बड़ा मज़ा आया फिर कितनी देर की है वो तो मुश्किल से कुछ मैंने आधे मिनट से कम में या एक मिनट में बस गेम खत्म फिर फिर ये है कि बंदा कहता आप चलो फिर दोबारा चलते हैं फिर से करते तो फिर से उतना खर्चा करके छुट्टियां लेके वहाँ जाएगा फिर पैसे देगा फिर वो कूदता है और फिर कह, आ मज़ा आ गया क्या हुआ उसमें मन एकाग्र की गेम हुई है और कुछ भी नहीं पूरा एकाग्र हुआ जान ये रस्सी से लटके पड़े अगर रस्सी में कुछ अटक गया या खुल गया या कुछ और इवेंट तो मुझे एक सज्जन मिले उन्होंने पहाड़ में पैराग्लाइडिंग करी तो पैराग्लाइडिंग में तो बड़े मज़े आए पर जब लैंड होने लगे तो लैंडिंग होगी गलत वो पेड़ पे जा गिरे तो उनकी टांग टूट गई तो मेजर फ्रैक्चर हो गया प्लास्टर चढ़ा हुआ है तो हम को जब मिले मैं क्या हुआ कहते पैराग्लाइडिंग पैराग्लाइडिंग तो ठीक तो है बट ये तो बताइए कहानी कैसे लैंडिंग गलत हो गई मैं कहा अब कितना समय हो गया कहते चार महीने गुजर चुके हैं पर अभी भी दो महीने और लग जाएंगे ये है वो है एक सर्जरी हुई ये एक और होगी मैं फिर अब दोबारा कब जा रहे हो बड़ी जोर से हंसा कहता आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली मैं तो बस इंतजार कर रहा हूं तीन महीने और तो मैंने फिर से जाना है मैं पक्षी की तरह उड़ा हूं पैराग्लाइडिंग करते हुए मैंने क्या थी क्या थी वो मन को मिल रही मौज जो हड्डी तोड़वा के भी दोबारा लेना चाह रहा है खेल वो भी एकाग्रता का है फाइन एकदम फाइन एकाग्रता और धरती से तो पांव उठ गए गुत्वाकर्षण का प्रभाव कम हो गया हवा में पक्षी की तरह उड़ रहे हैं तो एक गल, गलत 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 फहमी हो जाती कि हम भी पक्षी हो गए पर फिर लैंड तो करेगा ही ना इसलिए फिर दोबारा 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 स्पोर्ट में फिर 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 जाना ही पड़ेगा नहीं तो मज़ा कहाँ आएगा ज्ञानी वो अपनी एकाग्रता अपने विचार से और अपने ध्यान से साध लेता है इसीलिए जो एक अच्छा साधक है वो बार बार ध्यान में उतरना चाहता है वो बार बार विचार करना चाहता है क्योंकि उसको वो जो रश है वो जो सुख है वो आनंद जो है उसको वहीं बैठे बैठे मिल रहा है तो कहीं जाने की ज़रूरत कहाँ के पहले यहाँ से वो मनाली की टिकट कटाए फिर जाए फिर पहाड़ पे वो पहुँचे फिर पैसे दे पैराग्लाइडिंग के और फिर आ, ग्लाइड करे और फिर कहीं पेड़ वेड में अटक गए तो हड्डी वड्डी टूटी तो वो अलग से तो ज्ञानी कहीं जाता नहीं पर ज्ञानी को मौज बहुत होती है ज्ञानी को आनंद बहुत होता है तो शुरुआत में विचार करना पड़ेगा फिर स्वभाव बन जाता है शुरू में एकाग्रता साधनी पड़ती है, फिर वो सहज स्वभाव हो जाता है